गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की अपकमिंग नई टीवी सीरीज हॉकआई से रिलेटेड। जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी तो शूटिंग चल रही है, पर हमें सेट इमेजेस लीक्स मिल चुके हैं जिसमें कि कैट का नया स्टंट देखने को मिला है, जो कि एक बिल्डिंग से जंप कर रही है और नीचे की तरफ गिर रही है तीर चलाते हुए। तो ये स्टंट काफी ज्यादा कमाल का था, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लिया जाए। उसी के साथ अगला अपडेट है लीक्स का भी, वो है दी इंटरनल्स के लीगो सेट रिवील्ड कर दी गई है, जिसमें कि सेलेस्टियस का नया लुक देखने को मिला है जो कि बहुत ही कमाल का है, और मुझे लगता है कि फाइनल फाइट इन्हीं से होने वाली है सेलेस्टियस से। और इसके साथ बात करते हैं वंडर वुमन 1984 की रेटिंग कंफर्म हो चुकी है IMDb पर, जो कि है 5.7, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। उसी के साथ अगला अपडेट है सुपरमैन से रिलेटेड। तो जे काम कर रहे हैं सुपरमैन की न्यू मूवी पर, ऐसा कुछ अपडेट आया है पर ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको बता दूंगा। उसी के साथ नेटफ्लिक्स की अपकमिंग टीवी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की न्यू सेट इमेजेस देखने को मिली है, जिसमें कि हमें कैरेक्टर के हाई स्कूल वाले लुक देखने को मिले, यानी कि टाइम ट्रेवलिंग कन्फर्म है। यामाहा ने फाइनली अपनी न्यू बाइक लॉन्च करी है, जिसमें कि कैप्टन मार्वल के थीम पर उन्होंने कलर कंट्रास्ट यूज करा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ये बाइक कूल लग रही है। अगर आपको खरीदनी है तो जरूर बताना। उसी के साथ अवतार 3 की न्यू सेट इमेज देखने को मिली है, और दोनों मूवी के प्रोडक्शन रैप हो चुके हैं, यानी कि फिनिश हो चुके हैं, अब एडिटिंग पे काम चल रहा है। और एक न्यू सेट इमेजेस देखने को मिली है टॉबी मैकफाई की, काफी लोगों का दावा यह है कि ये स्पाइडरमैन की सेट इमेजेस है, पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। उसी के साथ वंडर वुमन 3 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, प्रिटी जैक्सन रिटर्न हो रही है डायरेक्ट करने के लिए इस मूवी को, और गैल भी रिटर्न हो रही है इस रोल के लिए वंडर वुमन के लिए। उसी के साथ सैम जो कैरेक्टर था आयरन मैन 2 में, वो आपको आर्मर वॉर में भी देखने को मिलेगा, यानी कि पुराने कैरेक्टर फिर से दोबारा से रिटर्न होंगे। उसी के साथ आपको मेंटिस थॉर 4 में देखने को मिलेगी। जी हाँ, एक कैमियो होगा, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है एक इंटरव्यू के दौरान। तो गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ थॉर 4 के लिए ऑलरेडी। उसी के साथ लोकी की अपकमिंग टीवी सीरीज में आपको सिफ का भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, और देखते हैं कि ये टीवी सीरीज कैसी होगी। उसी के साथ लोकी अपनी खुद की टीवी सीरीज में US का प्राइम मिनिस्टर होगा, जी हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। और देन मैं देखना चाहूंगा लोकी की हरकतों को, क्योंकि लोकी को अब पूरा खुलने का मौका मिला है। उसी के साथ फैल्कन द विंटर सोल्जर की न्यू स्टिल इमेज सामने आई है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लासिक लग रही है। और देन आर्मर देखो, जो उसका हैंड बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। उसी के साथ हुलू ने कैंसिल कर दिया सीजन 2 हेलस्टॉर्म का, जो कि मैंने अभी तक तो देखा नहीं है, पर सीजन कैंसिल हो गया, ये बहुत गलत हुआ। उसी के साथ कैप्टन अमेरिका का जो कैरेक्टर था नोमेड, मार्वल स्टूडियो काम कर रहा है इसकी टीवी सीरीज पर। जी हाँ, ऐसे अपडेट्स आए हैं, और जो भी कंफर्मेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं माइक के बारे में। तो माइक ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि वो मार्वल स्टूडियो में ल्यूक केज के कैरेक्टर के लिए रिटर्न नहीं होंगे, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये चीज रिवील करी। उसी के साथ बात करते हैं सिया, तो फाइनली वो बात कर रहे हैं मार्वल स्टूडियो से किसी सुपर हीरो कैरेक्टर के लिए। अब वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे अभी ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। उसी के साथ केविन फेगी ने कन्फर्म कर दिया कि चैडविक ने व्हाट इफ के ऑलरेडी 7 से 8 एपिसोड रिकॉर्ड कर दिए थे, जी हाँ, मरने से पहले। उसी के साथ स्टैनली के हैप्पी बर्थडे पे न्यू कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च कर गए हैं थॉर रैग्नारोक के, जी हाँ, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। अगर आपको ये फुल एचडी में चाहिए तो आपको मेरे ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगा। उसी के साथ अकीरा का नया लुक लॉन्च कर दिया गया, और कॉस्ट्यूम तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ये लेजेंडरी टॉय के बैक साइड का है, तो इसमें हमें फुल लुक दिखाया गया है। अगर आपको ये देखना और डिटेल में, तो आपको हैंडल पे मिल जाएगा ट्विटर पर। उसी के साथ एक रूमर आया कि स्पाइडरमैन 3 में आपको वेनम और मॉर्बियस भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक यूनिवर्स कनेक्ट करेंगे, तो यार बस और क्या चाहिए। उसी के साथ एक अपडेट है बहुत ही कमाल का, जो जब भी बात कर रहे हैं मार्वल स्टूडियो से कि उन्हें भी कोई कैरेक्टर मिल जाए मार्वल स्टूडियो में इन फ्यूचर, तो देखते हैं क्या होता है। उसी के साथ मार्गेट ने कंफर्म कर दिया है कि कोई भी सेकंड पार्ट नहीं आएगा वर्ड्स ऑफ प्रे का, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि यही मूवी थोड़ी सही लगी थी मुझे वंडर वुमन से। उसी के साथ जस्टिस लीग अपकमिंग जो मूवी है उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखने को मिलेगा, जी हाँ, जैक स्नाइडर ने कंफर्म कर दिया है। और तो और नया अपडेट ये भी है कि आपको हर साल डीसी की 2 मूवी देखने को मिलेंगी थिएटर में और HBO मैक्स पर। तो गाइस ये थे वो डीसी के अपडेट्स और मार्वल के। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook के देखो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर बैटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।